अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, बहुत खून बह चुका है, इज बैडली इंजर्ड। डॉक्टर अंद्राडे प्लीज, न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट। डॉक्टर अगर उनको, हाँ डॉक्टर अंद्राडे, दिस इज डॉक्टर गुप्ता। आई हैव गॉट अ पेशेंट विद एक्यूट एंड मल्टीपल इंजरीज इन द ओटी राइट नाउ, पॉसिबिलिटी ऑफ क्रेनियम फ्रैक्चर। नो डॉक्टर, इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। यस डॉक्टर प्लीज, एज सून एज पॉसिबल। आपको इंतजार करना पड़ेगा, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। आप भगवान पर यकीन करती हैं या आप जैसे डॉक्टर्स पर? शायद आज दोनों ही काम आ गया आपको। कंग्रेचुलेशंस, ऑपरेशन कामयाब हो गया है, लेकिन आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, कम से कम 24 घंटे। इससे पहले श्योरिटी से कुछ कहना आप पॉसिबल नहीं। आप घर जाइए, आपको आराम से सब। थैंक यू। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैडम आपके पति को होश आ गया है, आप मिलना चाहेंगी? मिसेस चोपड़ा, हिम्मत से काम लीजिए, इस वक्त उन्हें आपकी जरूरत है। बी ब्रेव, ओके, जाओ, जाओ। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से, लेकिन तुम देखना, मैं तुम्हारे सारे दर्द मिटा दूंगी। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगी, इतना प्यार करूंगी कि ये हादसा तुम्हारी यादों में भी नहीं रहेगा। कौन हो तुम? मिसेस चोपड़ा, ऐसा होता है, ऐसे एक्सीडेंट्स के बाद लोग अक्सर अपनी याददाश्त खो बैठते हैं। वी कॉल इट एमनीजिया। अब हम यकीन के साथ नहीं कह सकते हैं कि ये मेमोरी लॉस टेम्पररी है या, बट ज्यादातर लोगों में ये लॉस टेम्पररी होता है। मगर ये जानने के लिए हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। अगर आप घबराइए, ओके?
मिसेस चोपड़ा, आपके पास आपके पति की कोई बड़ी सी तस्वीर है? जी। आपके पास आपके पति की कोई लेटेस्ट तस्वीर है? जी हाँ, लेकिन क्यों? हमें आपके पति के चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करनी पड़ेगी, तो तस्वीर की जरूरत तो पड़ेगी ना। चोपड़ा, अब वहां क्यों खड़ी है? डोंट यू वॉन्ट टू मीट योर हस्बैंड? कम ऑन। भरोसे और विश्वास से सब कुछ हो सकता है। इनकी याददाश्त वापस आ सकती है। आपको हर पल यही कोशिश करनी होगी कि इनको अपना बीता हुआ कल याद आ जाए। हर चीज याद दिलानी होगी, एक एक पल जो आपने इनके साथ गुजारा है। यू नेवर नो व्हाट मे ट्रिगर ऑफ हिज मेमोरीज। डू यू अंडरस्टैंड? और याद है सिद्धार्थ, वो जय के घर में न्यू ईयर ईव की पार्टी, तुम उस जनों को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे और तुम चाहते थे कि तुम एक ही झटके में शैंपेन की बोतल अनकॉक कर दो और बैंग, कॉक इतनी फोर्स के साथ सीधा जाकर हिट किया मिसेस कपूर को। और मिसेस कपूर उन्होंने तुम्हारा फेवरेट कलर है ब्लैक, तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम है एक्सेस, और तुम्हारी फेवरेट कार है मर्सिडीज बेंज, जो तुम्हारे पास नहीं है। और तुम्हारी फेवरेट सब्जी है आलू की सब्जी, इसीलिए मैं बना के लाई हूँ। नहीं, मुझे पसंद नहीं है ये। एक्चुअली तुम बहुत मेडिसिन ले रहे हो ना, इसीलिए शायद मुंह का टेस्ट। एनीवे, क्यों ना ये सब्जी ट्राई करें, हो सकता है इसका टेस्ट तुम्हें पसंद आए। ये है हमारा घर और ये हमारा ड्राइंग रूम और ये तुम्हारा फेवरेट पार्ट ऑफ द हाउस, योर स्टडी रूम। और ये है जय, जय वर्मा, तुम्हारा बिजनेस पार्टनर। और ये जय की न्यू ईयर ईव की पार्टी में। और ये स्नेहा है, जय की वाइफ। और ये जाएगा।
वेलकम होम डार्लिंग। मैं अभी आती हूँ। हेलो स्नेहा, हम अभी अभी आए हैं। हाँ नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, हाँ कब आ रही हो? ओके ठीक है। जज्बात भी भूल चुका हूं। आज मुझे यह एहसास होता है कि यादों के बगैर आदमी कितना खोखला होता है। आज ना ही मुझे किसी से कोई किला है, ना शिकवा, ना ही किसी से नफरत है और ना ही किसी प्यार है। सिद्धार्थ प्यार है, तुम्हें मुझसे प्यार है। अगर तुम अपने आप को भूल गए हो ना तो इतना ख्याल जरूर रखना कि प्यार अपने आप को भूल कर ही होता है। हेलो हेलो स्नेहा, हाउ आर यू? थोड़ा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लेकिन उन्हें पुराना कुछ भी याद नहीं। मैं तुमसे कल बात करती हूँ। बाय। अतिथि क्या एक्सीडेंट के पहले मैं सिगरेट पिया करता था? हाँ बट ही क्विट लॉन्ग अगो एंड फॉर क्राइस्ट सेक फिर से मत शुरू कर देना। ओके
सिगरेट कौन पी रहा है? अगर तुम ये सोचते हो कि सिगरेट पीने से तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाएगी तो तुम गलत सोचते हो, क्योंकि सिगरेट पीने से तुम्हारी याददाश्त दूर भाग जाएगी। और अब मैं तुम्हारा ये सिगरेट केस कॉन्फिस्केट करने जा रही हूँ। क्या हुआ? अच्छा भाई, नहीं पिता, बस। ओ बाय द वे, स्नेहा का फोन आया था, आज उसके घर में डिनर है, चलेंगे ना? शांता भाई, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि माइक्रोवेव को हाथ मत लगाओ, मगर कुछ सुनती ही नहीं है। अरे भाई क्या हुआ? सारा बेक डिश चल गया, मैंने कितनी प्यार से बनाया था। ओहो, इसीलिए तो कहता हूँ ज्यादा प्यार नहीं करना चाहिए, ज्यादा प्यार खतरनाक होता है और कम प्यार उससे ज्यादा खतरनाक होता है। यू नो अदिति, प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमारे हस्बैंड्स हैं ना, इन्हें हमारी कोई कदर नहीं है। डोंट यू अग्री? डू यू अग्री? कल तक का तो पता नहीं, मगर आज मैं तुम्हारी बहुत कदर करता हूँ। आय हाय, क्या बात है। लेकिन भाई साहब, ये अपना रोमांस जो है घर जाके कर लेना, इस वक्त तुम्हें अपने दोस्तों पर ध्यान देना चाहिए। क्यों? अच्छा जय, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे ना? थे क्या यार, हूँ। तो फिर मुझे हॉस्पिटल में मिलने क्यों नहीं आए? एक्चुअली हम लोग आने वाले थे, लेकिन आदित्य ने मना कर दिया। हाँ। वो एक्चुअली सिद्धार्थ, डॉक्टर ने मना किया था, इन्फेक्शन का खतरा था ना, इसीलिए। अब तुम दोनों पीते ही रहोगे कि खाना भी खाओगे? ओके, डिनर टाइम, मैं खाना लगाती हूँ। स्नेहा, मैं भी तुम्हें हेल्प करती हूँ। अरे ज्यादा खाना नहीं चाहिए भैया। भाई मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। हाँ भाई पूछो, एक क्या हजार बात पूछो। आखिर बात पूछने का लीगल हक जो है तुम्हें, तुम हमारे बिजनेस पार्टनर जो ठहरे। मेरे और मेरी बीवी के बीच संबंध कैसे थे एक्सीडेंट से पहले? क्यों, फिर कुछ हुआ क्या? संबंध कैसे थे जय? जाने दो ना यार, जस्ट फॉरगेट इट, जो हुआ सो हुआ। ओके, ये मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है जय। एक्सीडेंट के दिन तुम दोनों के बीच बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था, तुम मेरे पास आए थे, तलाक लेना चाहते थे अदिति से, लेकिन मुझे इसमें कुछ नया नहीं लगा। हर महीने तुम ऐसी बहकी बहकी बातें किया करते थे, पर सब कुछ ठीक हो जाया करता था, जैसे अब हुआ है। ओके गाइस, डिनर इज सर्व्ड, चलिए खाना खाते हैं। चलो सीधा। जय, मैं यूज़ लूँ? यार याददाश्त के चक्कर में बाथरूम ही भूल गए। स्नेहा इसको दिखाओ। आदिति, चलो सिद्धार्थ। थैंक्स। सिद्धार्थ तुम ठीक तो हो? सिद्धार्थ, हाँ ऑफ कोर्स, अंडर द सर्कमस्टेंसेस जितना हो सकता हूँ उतना तो हूँ। सिद्धार्थ, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? सिद्धार्थ, मैं तुमसे, सिद्धार्थ तुम्हें याद है तुम अदिति से डिवोर्स लेने वाले थे? तुम्हें याद है अदिति का किसी के साथ अफेयर था?
नाम मालूम है उसका? नहीं सिद्धार्थ, तुम्हें कुछ याद नहीं, कुछ भी नहीं। मैं बताती हूँ उसका नाम, उसका नाम कमलेश है। और अदिति तुम्हारी याददाश्त खोने का गलत फायदा उठा रही है। वो तुमसे नहीं तुम्हारी दौलत से प्यार करती है। वो आज भी तुमसे नहीं कमलेश से मोहब्बत करती है। लेकिन मैं उसे कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तुम्हें याद है तुम मुझसे शादी करने वाले थे? सिद्धार्थ तुम्हें वो सनन सैन होटल याद है, उसका कमरा नंबर 109? वहाँ हम रोज जाते थे, रोज मिलते थे। गाइस, द डिनर इज रेडी। से शर्मा पीजी ट्रैवल्स, पीजी ट्रैवल्स ढाई लाख रुपए डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है, कितने रुपए का बिल? बताएंगे शर्मा कहाँ है? शर्मा की हमने यहाँ सुना। कैसे तो कंफर्म टिकट के लिए? देखिए आपने पैसे दिए थे दिल्ली की टिकट के लिए जो आपको मिल गई, अब वेटिंग है या कंफर्म है इसके लिए हम लोग कुछ नहीं कर सकते, ये एयरलाइन वालों का काम है। आप क्या समझते हैं यहाँ हमें कोई काम धंधा नहीं है? आपको पता है कितनी मुश्किल से टिकट आपकी हमने अरेंज की है? क्या समझते हैं आप, हम लोग सिर्फ ऐसे ही बैठे हैं यहाँ पर? एक्सक्यूज मी, आपका भी रिफंड का कुछ? चोपड़ा आप देखिए, मैं आपसे इस बिल के बारे में मिलने आया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भूल जाइए इस बिल को, सेटल हो चुका है। आपकी मिसेस ने सेटल किया जब आप हॉस्पिटल में थे। अब वो सब तो ठीक है लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इट्स लिटिल बिट अनरीजनेबल। नहीं मतलब एक महीने में 2.5 लाख रुपए डोमेस्टिक ट्रैवलिंग, वो भी मैं कहाँ कहाँ गया था? मैं दिल्ली, बैंगलोर। अब इट्स, अब आइए मेरे साथ, आइए प्लीज। चोपड़ा साहब, मैंने सुना था कि आप अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, लेकिन वाकई आपको तो कुछ भी याद नहीं? ये जो ट्रैवल एजेंसी देख रहे हैं आप, उसके अलावा मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ, और इस एक्सीडेंट से पहले आप मेरे क्लाइंट थे। मैं क्लाइंट? प्राइवेट डिटेक्टिव? छोड़िए चोपड़ा साहब, बिल सेटल हो चुका है, केस सेटल हो गया है। इसका मतलब मैंने आपको मेरी पत्नी के पीछे, वो मेरी पत्नी की तस्वीर, आप मेरी पत्नी की तस्वीर आपने ली थी? देखिए मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है, वो मेरी पत्नी की तस्वीर आपने ली थी या नहीं? हाँ मैंने ली थी, लेकिन वो सब बीती बातें हैं। वो बीती बातें आज भी मेरे लिए बहुत जरूरी है। मुझे ये भी नहीं मालूम कि आज मेरी बीवी मुझसे प्यार करती है वो शख्स। मिस्टर शर्मा, आप दोबारा मेरे लिए काम करेंगे, मैं आपको दुगने पैसे दूंगा। रहने दीजिए चोपड़ा साहब। कैसे रहने दूं? अरे मैं पागल हो जाऊंगा इस तरह, हर कोई मेरे बारे में जानता है सिवाय मेरे। मिस्टर शर्मा, मैं सही या गलत का फैसला नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मेरा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है, मैं किससे प्यार करूँ, किससे नफरत करूँ। नफरत करना जरूरी है क्या? है,
है बहुत जरूरी है, क्योंकि प्यार और नफरत के बगैर एक आदमी अधूरा होता है, जो कि मैं हूं। मैं शर्मा, क्या आप इस अधूरे आदमी को पूरा होने में मदद करेंगे? प्लीज। हाँ चुपका कर। बहादुर देखो कल शायद मैं थोड़ा लेट हो जाऊं, चाबियां कल वक्त पे ऑफिस खुले। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट। चलो मोहन, आज एक पुराना काम निपटा ले। चलो कमलेश साहब का फ्लैट कौन सा है? 604। साहब हैं घर पे? कब आएंगे? दो हफ्ते से तो दिखे नहीं, ऑफिस में पता करो, शायद टूर पे गए होंगे। ठीक है। क्यों सिद्धार्थ, क्यों क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हाँ कमलेश, इट्स ओवर कमलेश, ओवर। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा। देखो देखो, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। मैं जानती हूँ मैंने जो कुछ भी किया गलत किया, लेकिन लेकिन ये बात मुझे उस समय समझ में नहीं आई कमलेश। हाँ, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद मुझे ये पता चला कि मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं कमलेश। मैं तुमसे नहीं मिल सकती, नहीं ओल्ड टाइम सेक के लिए भी नहीं। अच्छा क्या कहना चाहते हो तुम मुझसे? ठीक है, बट दिस विल बी द लास्ट टाइम, इसके बाद फिर कभी नहीं कमलेश। ओके, उसी जगह। ठीक है, बाय। हेलो शर्मा, उसका फोन आया था, वो उससे मिलने जा रही है, पता नहीं कहाँ, मुझे कैसे मालूम, पर तुम जा रहे हो ना? हाँ। मिस्टर शर्मा, कुछ पता चला? आपको पूरा यकीन है कि फोन पर कमलेश ही था? हाँ, मैंने खुद उसे फोन पर बात करते हुए सुना था। फोन उसने किया था या आदिति ने? पता नहीं, शायद उसी ने किया था। देखिए मिस्टर चोपड़ा, एक बात बताऊं, मैं जब भी कोई केस हाथ में लेता हूं तो पहले ही सारी तैयारियां कर लेता हूं, इसलिए आज सुबह ही मैंने तुम्हारे घर के सारे फोन टैप कर लिए थे। इट्स ओवर कमलेश, ओवर। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं रहा। देखो तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। मैंने जो कुछ किया गलत किया। हाँ हाँ, मुझे ये बात उस समय समझ में नहीं आई, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद मुझे पता चला कि मैं सिद्धार्थ से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। नहीं कमलेश, नहीं, ये मुमकिन नहीं है। इट इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। प्लीज़ कमलेश, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि तुम्हारी बीवी फोन पर किसी से बात नहीं कर रही थी। लेकिन वो ऐसा क्यों करी? ये तो वही बता सकती, या फिर तुम? मैं? देखिए मिस्टर चोपड़ा, ये केस उलझता जा रहा है। तुम्हारे एक्सीडेंट वाले दिन से कमलेश अपने घर नहीं पहुंचा। दूसरी तरफ उसके ऑफिस वालों का कहना है कि मॉरिशस में उसे कोई जॉब मिल गया, इसलिए उसने ये शहर छोड़ दिया। उसने अपना रेजिग्नेशन फैक्स किया था, और वो फैक्स यहीं तुम्हारे घर से किया गया। दूसरी तरफ मॉरिशस के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को उसकी कोई खबर नहीं। मतलब ये कमलेश है कहाँ? अगर वो इसी शहर में है तो तुम्हारी बीबी फोन पर ऊपर झूठ मूठ बात करने का ढोंग क्यों कर रही है? ये बात कुछ हजम नहीं हो रही मिस्टर चोपड़ा। तुम दोनों मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो, लेकिन एक बात याद रखना, इस खेल में अब मैं भी शामिल हो गया हूँ। देखिए शर्मा जी, मैं कोई खेल वेल नहीं खेल रहा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है। सब कुछ समझ में आ जाएगा, जरा अपनी बीवी से बात करके देख लो।
हाँ, अगर तब भी समझ में ना आए तो पुलिस तुम्हारी मदद कर सकती है। थैंक्स फॉर द ड्रिंक। कहाँ गई थी? मैंने पूछा कहाँ गई थी। क्या मतलब? फोन सुनने के बाद कहाँ गई थी? जब तुम्हें पता है कि मैं फोन सुनने के बाद बाहर गई थी तो तुम्हें यह भी पता होगा कि मैं किससे मिलने गई थी, तो फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि तुम फोन पे बात नहीं कर रही थी, तुम फोन पे बात करने का ढोंग कर रही थी, दूसरी तरफ कोई नहीं था। तो तुम्हें पता चल गया? ये कौन सा खेल खेल रही हो तुम मेरे साथ? क्या रिश्ता है तुम्हारा कमलेश के साथ? ये कमलेश कौन है? कोई नहीं। क्या कोई नहीं? हाँ, कमलेश था, अब नहीं है। क्या मतलब? वो मर चुका है। क्या बकवास कर रही हो तुम? कमलेश मर चुका है और जानना चाहते हो कैसे? तुमने उसे मारा है सिद्धार्थ। क्या? मैंने? ये सच है और ये भी सच है सिद्धार्थ कि तुम्हारे एक्सीडेंट से पहले मैं कमलेश के साथ, और तुम्हें पता चल गया, तुम गुस्से से पागल हो गए और तुमने कमलेश का खून कर दिया सिद्धार्थ। ये नहीं हो सकता। और अब तुमने फिर से उस डिटेक्टिव को इस केस में लगा दिया। तुम जानते हो उसका पहला कदम क्या था? कमलेश को ढूंढने का। जरा सोचो सिद्धार्थ, जरा सोचो। अगर उस डिटेक्टिव को यह पता चल गया कि कमलेश मर चुका है तो उसे तुम तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? कितना? गॉड, माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैं तो तुम्हें अपने आप से बचाने की कोशिश कर रही हूँ सिद्धार्थ, और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। मेरा कसूर क्या है? यही कि मैं हमारे कल को भूलना चाहती हूँ, यही कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अगर तुम ये कहते हो कि मैं कोई खेल खेल रही हूँ तो सिद्धार्थ, हाँ मैं खेल खेल रही हूँ। मैं कमलेश को जिंदा रखने का खेल खेल रही हूँ तुम जेल ना जा सको, कि तुम जेल ना जा सको। करती हूँ, I'm sorry, I love you, I love you too, Siddharth. Siddharth, मैं नहीं चाहती कि तुम जेल की सलाखों के पीछे सड़ो। हमें इसी वक्त ये मुल्क छोड़कर जाना होगा, इससे पहले कि वो डिटेक्टिव इसकी तह तक पहुंच जाए। We'll go somewhere far away, start our lives afresh, है ना सिद्धार्थ? है ना? पैक करो, मैं टिकट लेके आती हूँ। ओके, you
सिंह शर्मा। जाने से पहले कुछ गुत्थियां सुलझानी है। मैं रूपाली केमिकल प्लांट जा रहा हूं। हेलो क्रिस, जब डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि तुम अपनी याददाश्त खो बैठे हो
तो मुझे लगा कि तुम्हारा चेहरा बदलकर मुझे जिंदगी भर का प्यार मिल जाएगा और सिद्धार्थ की मौत का किसी को पता भी नहीं चलेगा। अदिति, मुझे मेरा चेहरा वापस चाहिए। मैं जानती हूँ इस वक्त तुम्हें गहरा सदमा पहुंचाऊंगा, लेकिन कुछ देर बाद तुम्हें सब कुछ मेरा चेहरा वापस चाहिए। पागल मत बनो सिद्धार्थ, मेरे पास मॉरिशस की टिकट्स हैं, हम दोनों दूर जाएंगे और जब हम दोनों साथ होंगे ना तो चेहरा दे सकती हो। चेहरे में क्या रखा है सिद्धार्थ, हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। दे सकती नहीं, दे सकती नहीं, दे सकती मैं तुम्हें तुम्हारा चेहरा वापस नहीं दे सकती। मुझे कुछ भी नहीं दे सकती, पुलिस में जाना चाहिए था। अब भी देर नहीं है। सिद्धार्थ, रुक जाओ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ तुम नहीं जा सकते। मैं कहती हूँ रुक जाओ सिद्धार्थ, सिद्धार्थ रुक जाओ, सिद्धार्थ रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगी। सिद्धार्थ नहीं, कमलेश, तुम मुझसे मेरा चेहरा छीन सकती हो, मेरी शनाख्त नहीं। सिद्धार्थ मैं कहती हूँ रुक जाओ, सिद्धार्थ अगर मैं एक बार कर सकती हूँ तो मैं तुम्हारा नहीं कर सकती हूँ।